बालक एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है तुम्हारे साथ। अगर तुम 9th में पढ़ने वाले बच्चे हो या 10th में पढ़ने वाले बच्चे हो या तुम वैसे बच्चे हो जो अभी 10th का एग्जाम देकर 11th में जाने वाले हो, तुम्हारे लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। अगर इस वीडियो में बताए हुए बातों को अगर अच्छे से समझ गए उसके बाद बालक तुम 11th 12th में इस भोलू की तरह पढ़ोगे, इसकी तरह नहीं पढ़ोगे। देखो इसका शकल, गोलुआ का शकल देखो, तुम गोलुआ का शकल उदास करके पूरे टेंशनाइज मोड में पढ़ रहा है और ये देखो पूरे मस्ती में पढ़ाई कर रहा है। अगर इसकी तरह पढ़ना चाहते हो 11th 12th में तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। तुम्हें समझना पड़ेगा सीबीएसई तुम्हारे साथ क्या गलती कर रहा है, जो हमारे साथ भी किया था, है ना। हम भी जब 11th 12th में थे तो ये सबसे बड़ा एक मिस्टेक हुआ था। उस मिस्टेक को अगर तुम समझ जाओगे बालक तो तुम्हारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, है ना। अभी से अलर्ट हो जाओगे कि क्या होने वाला है फ्यूचर। ध्यान से समझोगे बालक, सोचो तुमको 6th क्लास से अचानक 10th क्लास में डाल दिया जाए, जहाँ तुम 6th क्लास में बस 2-3 आवर ही पढ़ाई करना चाहते थे, पढ़ते थे, तुम्हारा अल्टीमेट गोल था। 6th क्लास में बच्चा का अल्टीमेट गोल क्या होता है, पीटीएम में बस बच जाए, यही होता है ना, पीटीएम मेरा मैनेज हो जाए, कोई दिक्कत ना हो और मेरा होमवर्क कम्प्लीट हो जाए, पिटने से बच जाए, बस यही 2 गोल होता है। और अचानक तुमको 10th में डाल दिया जाए, कहाँ तुमको बालक, ध्यान से सुनोगे, 2 आवर पढ़ने का हैबिट था, 3 आवर पढ़ने का हैबिट था और अचानक तुमको 5-6 आवर पढ़ना पड़े। इवन इतना भी बच्चे नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादातर बच्चे 10th में 5-6 आवर नहीं पढ़ते हैं, यही हो रहा है ना। लेकिन बालक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है, ध्यान से समझोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 9th और 10th में जिसको तुम बहुत बड़ा बर्डन समझते हो ना, 9th और 10th वाले मैथ साइंस को जिसको तुम बहुत बड़ा एक बॉन्डर समझते हो कि इतना पढ़ना है, बालक 11th 12th में जाओगे तो तुमको रियलाइज़ होगा कि बालक ये कुछ नहीं था। यही सीबीएसई का सबसे बड़ा गलती हमको लगता है कि 9th 10th में तुमको मैथ साइंस में बहुत कम पढ़ाया गया है और 11th 12th में अचानक बहुत ज़्यादा ला दिया गया है। ये सीबीएसई का प्रॉब्लम है। सीबीएसई को करना क्या चाहिए कि 11th 12th का कुछ पोर्शन, हल्का सा पोर्शन इसमें बच्चों को कराना चाहिए ताकि उसका माइंड जो है अडेप्ट हो पहले से। थोड़ा थोड़ा करके प्रेशर देना चाहिए, जैसे देखो 8 में इतना प्रेशर, 9 में इतना प्रेशर, 10th में इतना प्रेशर, इधर तो बड़ा स्मूथली चलता है, बट 11th में अचानक इतना प्रेशर, ये बालक सही बात नहीं है। मैथ्स और साइंस इतना लॉजिकल और रीजनिंग टाइप का सब्जेक्ट है, इसमें बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। नए बच्चे जब 11th में एंट्री लेते हैं तो उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है और मैक्सिमम जो टॉपर्स होते हैं उनका बात हम कर रहे हैं, वो भी गिवअप कहीं ना कहीं धीरे धीरे करने लगते हैं और यही कारण है बालक कि 11th 12th का रिजल्ट सीबीएसई बोर्ड का खराब होता है। ज़्यादातर बच्चों को देखोगे कि 10th में बहुत बढ़िया करता है, 11th 12th में 60% 65% तक ही रह जाता है। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है। तो फिर अगर ये ब्लंडर है तो इसका सोल्यूशन क्या है, या वो बच्चे जो सीबीएसई में 12th में 92, 95, 98, 99% इवन 100% भी ला देते हैं, वो 19th में ऐसा क्या करते हैं कि उनके लिए ये जो ब्लंडर है इसे वो झेल लेते हैं, वो क्या करते हैं। तो ध्यान से समझोगे बालक, कहीं ना कहीं टीचर के थ्रू हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, देखो हम भोलू के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो भोलू है ये ऐसा क्या करता है 9th 10th में, ध्यान से समझोगे, ये भोलू 9th 10th में ऐसा क्या करता है कि ये 11th 12th में भी मुस्कुराते हुए पढ़ता है, और ये गोलुआ क्या गलती कर देता है 9th 10th में, गोलुआ का जबकि 9th 10th में दोनों टॉपर था, 9th 10th में दोनों टॉपर था, ना पढ़ने वाले बच्चे का तो बात ही नहीं हो रहा है, वो तो रोएंगे ही रोएंगे, उनको तो परेशानी होगा ही होगा, उनके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। बात किया जा रहा है इस गोलू और भोलू के बारे में जो कि दोनों बालक टॉपर था, नोट कर लो बात को, दोनों टॉपर था। दिक्कत यहाँ ये हुआ कि ये जो गोलू है ना ये बस एनसीईआरटी पढ़ा बालक, एनसीईआरटी पढ़ा है ना, एनसीईआरटी, ये केवल बोर्ड को फोकस किया है ना, केवल मार्क्स को फोकस किया, ये ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन नहीं किया, थोड़ा हाई लेवल का ये नहीं पढ़ा, 11th 12th के कुछ टॉपिक्स को पहले ही कवर नहीं किया, यानी कि प्रेशर तो 11th 12th में है। अगर ये गोलू जो है थोड़ा सा प्रेशर पहले ही डाइजेस्ट कर लेता, पहले ही से भाप लेता कि आगे क्या आने वाला है, तो इसका माइंड कहीं ना कहीं अडेप्ट होता। सपोज तुमको 11th 12th में तुम्हारे माइंड के अनुसार अगर तुमको 12 आवर पढ़ना पड़े, अगर तुम 9th 10th में ही 8-9 आवर का हैबिट बना के रखे हो तो 8-9 आवर से 2-3 आवर और बढ़ जाना यार ये बहुत बड़ा प्रेशर नहीं है। लेकिन सपोज तुम्हारे पास बस 4 आवर पढ़ने का आदत है और अचानक तुमको 12 आवर पढ़ना पड़े अपने कोर्स को, अपने डीपीपी को, ये सब को सॉल्व करने के लिए, अपने जो कोचिंग में जो पढ़ाई हुआ उसे मैनेज करने के लिए, अगर अचानक तुमको 12 आवर स्टडी करना पड़े और तुम्हारा माइंड अडेप्ट है केवल 4 आवर स्टडी करने का, कैसे झेलोगे उसे,
बालक धीरे धीरे करके प्रेशर झेलना सीखो, प्रेशर पड़ेगा। 11 12th का जो सिलेबस है ये केवल मैथ साइंस का बात हम नहीं कर रहे हैं, अगर कॉमर्स भी अच्छे से पढ़ना चाहोगे ना, करियर बिल्ड करने के लिए अगर पढ़ना चाहोगे, पूरे शिद्दत के साथ पढ़ना चाहोगे, तो वहाँ भी एटलीस्ट तुमको 10-12 और पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम्हारा माइंड थोड़ा प्रॉपर काम करता है तो पढ़ना पड़ेगा बालक। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि तुम भोलू की तरह पढ़ाई करो, भी मस्ती के साथ अभी भी पढ़ो, 9th-10th में भी थोड़ा सा हायर लेवल को टच कर कर पढ़ो, ताकि 11th-12th में जाओ तो अचानक तुमको हाई प्रेशर ना लगे। इसके चलते पढ़ो, इसकी तरह पढ़ो, भोलू की तरह पढ़ो, भोलू की तरह मुस्कुराते हुए, हमेशा मुस्कुराते हुए। फिर तुम 11th-12th में जाओगे, वही प्रेशर से तुम्हारे दोस्त परेशान रहेंगे और तुम हैप्पीली पढ़ोगे, क्योंकि ज़्यादातर बात तुम पहले से ही जानते थे। आई होप बालक ये वीडियो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा, अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बालक, बाय।